जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता, पूर्व नेता हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वापस सुनने में यह आ रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी में हर्षदेव सिंह का जो आना था उसके कारण कई चीजें हुई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से में वो शामिल थे, लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया जो उनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामने की बात की तो हर्षदेव सिंह दिल्ली पहुंचे। उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनसे मुलाकात की और संकेत दिए कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया आम आदमी पार्टी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद गाजे बाजे के साथ हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद निधन हुआ प्रोफेसर भीम सिंह का, जो संस्थापक थे आम आदमी पार्टी के। उनके निधन के समय भी बलवंत सिंह मनकोटिया, उस उनके निधन के बाद ऐसा लगा शायद वो आम आदमी, वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को चलाएंगे, लेकिन उन्होंने आपका दामन नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में आप मनकोटिया पार्टी छोड़कर चले गए भाजपा में और हर्षदेव सिंह अकेले रह गए आम आदमी पार्टी में और आज उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणवश बताया है इस्तीफे का कारण बताया है निजी कारण और साथ में अब कह दिया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे। मेरे साथ स्वागत एडवोकेट संजीव सरीन है, एकमात्र जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की एकमात्र ऐसी आवाज जो तब भी गरज बरस रही थी जिस समय आम आदमी पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में बोलने के लिए प्रवक्ता नहीं थे और आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में कोई सुनता भी नहीं था। तब एडवोकेट संजीव सरीन पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, नेता के तौर पर, वॉलंटियर के तौर पर बात किया करते थे और आम आदमी पार्टी का पक्ष लोगों के सामने रखा करते थे। उसके बाद इस समय वो जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी है उसके जेएंडके के लीगल हेड हैं, यानी लीगल सेल जो है उसके हेड हैं। मेरे साथ सरीन साहब आइए बात करते हैं। सरीन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हर्षदेव सिंह भी आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, मनकोटिया आपकी पार्टी से चले गए, अन्य और कई नेता आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, कारण क्या है, क्यों नहीं रोक पाते आप इन लोगों को अपनी पार्टी में? हर एक के पीछे अलग अलग कारण है। हर्षदेव जी तो अभी रिसेंटली एक आध घंटा पहले ही गए हैं और उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन भेजा है उसमें उन्होंने पर्सनल रीजंस लिखे हैं, तो पर्सनल रीजंस के बारे में तो बेसिकली वही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी का 10 साल पुराना इतिहास है और आज दिन तक देख लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के गया उसकी तो हालत बुरी हुई है, उसकी तो वही हालत हो गई है धोबी का कुत्ता, आगे आप जानते हैं ना घर का ना घाट का। दिल्ली में देख लीजिए, और जब पहली बार इलेक्शन हुए थे एक मिस्टर बिन्नी साहब थे, कहां से आए, उठ के जीते भी, फिर उनको शोक चढ़ा कोई ऊंचे का, वो छोड़ के गए, कहां चले गए। उसी तरह हजारों एग्जाम्पल हैं, पंजाब में देख लीजिए, आज ये सारे गुमशुदा हैं। पब्लिक जो है आम आदमी पार्टी की नीतियों को बहुत ज्यादा पसंद करती है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही दो तीन कारणों के से हुआ है। एक तो भ्रष्टाचार का बिल्कुल अंत करना है, दूसरा आम लोगों को सहूलियात देनी है, आम लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके और मुफ्त शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और मुफ्त स्वास्थ्य मिल सके। और सरकारें बनती भी इसीलिए हैं कि पब्लिक की जितनी वेलफेयर है हो, ऐसी कोई आज दिन तक हिंदुस्तान में तो मेरे को पार्टी दिखी नहीं है जो इतनी जल्दी से ग्रो भी की हो और पब्लिक का इतना प्यार मिला हो जैसा कि आम आदमी पार्टी को मिला है। रही बात आपकी बात, जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, कुछ एक नेतागण जिनको पब्लिक में अब नेतागिरी करने का शौक तो था लेकिन उनके पास जनाधार नहीं था इतना बचा, आए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी ने उनके कद के मुताबिक उनको इज्जत भी बख्शी। लेकिन कईयों को अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे तो साधारण से भी जितने भी वॉलंटियर हैं
उनको भी आम आदमी पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया। मेरे जे एक छोटे से शख्स को भी उन्होंने पार्टी ने बड़ी इज्जत बख्शी है, और इज्जत ही हमारा पार्टी में मिलनी थी। अब ये हर्षदेव जी आए थे, कुछ देर इन्होंने रहा, अब उनका ध्यान आया कि मैं पैंथर पार्टी को सरवाइव कर लूं। वो भी देख लें, अभी तो कोई इलेक्शन का दौर भी नहीं आया, आउ चिलाई तो चलती रहेगी। लेकिन झटका मानते इसको आपकी पार्टी के लिए कि एक बड़े नेता जो है वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए? बड़ा नेता मेरे को आज दिन तक नहीं समझ आया कि जिन्होंने लिमिटेड कंपनियां खोल रखी हैं वो बड़े नेता गिनते हैं आप, या जो पंजाब में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 92 एमएलए जीते हैं, जिन्होंने चन्नी को दो दो सीटों से हरा दिया, जिन्होंने प्रकाश सिंह बड़े प्रकाश सिंह बादल जी को हरा दिया, सुखदेव बादल को हरा दिया, सुखबीर बादल को, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरा दिया। इतनी इतनी बढ़िया हस्तियों को हराने वाले कोई मामूली? वही आम आदमी पार्टी कहती है कि आम आदमी के हाथ में ताकत है, अपने वोट की ताकत पहचानो और अपने आप को खुद ही मजबूत करो। जब आम आदमी पार्टी आगे आएगी, आप सबकी ये सभी जो प्रॉब्लम्स और जो गारंटीज देती है आम आदमी पार्टी पूरे करेगी। लेकिन सर, इन सब मुझे ये समझाइएगा कि अगर ये सच है तो आप लोग जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ 2013 से आप चल रहे हैं, जब शायद आम आदमी पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में कोई आदमी था भी नहीं, तो जो लोग लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ चल रहे थे, जब आपको नेतृत्व बांटना था, जब आपको यहां पर लीडर बनाने थे, तो आपने इन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी का लीडर बनाया, किसी को किसी चीज का चेयरमैन बनाया, किसी चीज को किसी चीज का चेयरमैन बनाया, इसकी क्या जरूरत थी? क्या आप लोग जो लंबे समय से पार्टी में चल रहे थे, क्या आपसे बात बन नहीं रही थी जो इनको आपको बनाना पड़ा था? बेसिकली हमारी आम आदमी पार्टी में कुछ एक डिसिप्लिन है। अगर मैं लीगल फ्रेटर्निटी से आता हूँ तो वो ऐसा करते हैं कि जो लीगल फ्रेटर्निटी वाले हैं उनको लीगल फ्रेटर्निटी में एडजस्ट करते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं बिजनेस कम्युनिटी में एडजस्ट करते हैं, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने होते हैं, जो फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, उनको पब्लिक में उतारते हैं। बाकी पोस्ट का तो ऐसा है कि आने वाले वक्त में फिर आप बहुत तब्दीलियां देखेंगे। कई बार कमेटीज बनती हैं, डिजॉल्व होती हैं, नीचे लेवल पे कोई अच्छा वर्कर काम कर रहा उसको ऊपर की पोस्ट मिल जाती है, ऊपर वाला जो अगर काम नहीं अच्छा करता उसको साइड करके उसको अलग पोस्ट में देती है। साहब, जिनको आप इम्पोर्ट करके लाते हैं, क्या जरूरत है इम्पोर्ट किए हुए लीडरों को नेतृत्व देने की, लीडरशिप देने की? अगर आपकी पार्टी के पास नेता थे तो आपने उन्हीं के साथ आगे बढ़ना था, ये फसीयत तो आज ना होती। जितने लीडर आपने लाए सब भाग गए। फसीयत पता नहीं आप किस नजरिए से देख रहे हो। एक वॉलंटियर हमारा आम आदमी पार्टी का किसी पर्सनल रीजन की वजह से अपना पार्टी को छोड़ के जा रहा है, या तो वो किसी पार्टी की नीति को मुखालफत करे, तो फिर तो मैं आपकी मान सकता हूं कि वाकई उसने विद प्रूफ दिखाया कि आम आदमी पार्टी में उसने करप्शन देख ली है, जिसके खिलाफ हम पार्टी खड़ी हुई है, फिर तो हम अपनी फजीहत माने। ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर अगले का कोई पर्सनल एजेंडा है या वो पैंथर पार्टी को दोबारा जैसे कि आपके बकौल सरवाइव करना चाहते हैं, तो हमें उसमें एतराज क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आए, अजमाएं, देखें उनके लिए कि अगर आप आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित है तो टिकें, नहीं तो अभी रास्ता अपना साफ करके चलते जाएं। आप लेबोरेटरी हैं या पार्टी हैं? नहीं, हम तो पार्टी हैं, एब्सोल्युटली पार्टी हैं। पंजाब में भी बहुत लीडर आए चले गए, पहली बार भी नहीं सरकार बनी थी, लेकिन दूसरी बार आप देखिए बहुमत की सरकार और रिकॉर्ड बना है। जैसा रिकॉर्ड दिल्ली में बना था वैसा रिकॉर्ड पंजाब में बना है। लेकिन सरीन साहब, ये बताइएगा कि जो शोर और हंगामा पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था, जिस तरह से ज्वाइनिंग होने लगी थी, जिस तरह से लोग आपके दफ्तर में आने लगे थे, अचानक वो सब ठंडा पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आना नहीं जाना शुरू कर दिया। जैसे मनकोटिया वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कई अन्य नेता, कोई कांग्रेस में घुस गया, कोई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में घुस गया, कोई अपनी पार्टी में चला गया, कोई कहीं चला गया। ये जानना चाहूंगा, क्या ये बात मानेंगे कि जो उत्साह लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर जम्मू कश्मीर में था वो कम हुआ है? पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
जितनी आप पार्टियों के नाम गिना चुके हैं उतने तो शख्स छोड़ के भी नहीं गए होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना ट्रैक देख लीजिएगा, मेरे नजरिए में तो 10 से ज्यादा शख्स गए ही नहीं है। अगर गए भी हैं, आए थे, पार्टी मजबूत हुई थी, उनके उनको पार्टी में देखा कि उनकी नहीं ऐसे चलेगी गलत तरीके से, गए हैं तो उनका वजूद खत्म हो गया है। आज का टॉपिक चूंकि आपने हर्षदेव जी के साथ कंसर्निंग किया था, हर्षदेव जी ने 92 में मेरे साथ ही ला की थी इकट्ठे, हालांकि उम्र में मेरे से वो 4-5 साल बड़े हैं, ला हमने इकट्ठे की थी। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म देखा, मैं आज भी आम आदमी पार्टी में टिका हूं। मैं तो उस दिन आपसे सवाल करूंगा जिस दिन आप देखेंगे कि संजीव कुमार सरीन आम आदमी पार्टी को छोड़ के जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं ना मैं पार्टी छोड़ूंगा ना ही मेरे को पद और पोस्ट की लालसा है, और आपको टिका हुआ दिखाऊंगा। और बहुत जल्दी आपको जम्मू व कश्मीर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एडवोकेट संजीव सरीन आम आदमी पार्टी की जो दशा इस समय जम्मू कश्मीर में बनी है उसके बावजूद इनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और मैं स्थायी रूप में स्टेबल हूं आम आदमी पार्टी में और इसी पार्टी के साथ आगे बढ़ूंगा। लेकिन आज की खबर यह कि हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कारण निजी बताए हैं।